आज के बाद अगर तुम यहाँ पर आई ना तो माया कसम से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। भाई अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ सब देख क्यों? लोग तो तब भी देख रहे थे जब माया से बदतमीजी हो रही थी, लोग तब भी देख रहे थे जब माया गिड़गिड़ा रही थी, लोग तब भी देख रहे थे जब तेरी माँ मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही थी। भाई घर चलते सबके सामने माँ के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? जब काम सबके सामने हुआ है तो रिजल्ट भी सबके सामने मिलेगा। भाई मैं जानता हूँ गलती माँ की है, लेकिन ये सब कुछ हमारा एक प्लान। What? माया की बेइज्जती करना तेरा और तेरी माँ का प्लान था? अर्जुन प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनूंगा अब मैं। आज के बाद हमारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। भाई क्या बात कर रहा है यार? ए, ये सब ना अपनी माँ को जाके समझा। अर्जुन प्लीज चल अंदर चल के बात करते। नहीं डस्टी, अंदर मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। अर्जुन प्लीज मेरी बात नहीं सुन। माया बहुत सुन ली तुम्हारी। तुमने कहा माँ को मनाना है, मैं मान गया। तुमने कहा माँ बुरा मान जाएगी, मैंने माना। तुमने कहा माँ मुझसे प्यार करती, मैं मान गया। अब जो मैं बोलूंगा तुम सुनोगी। मेरी माँ 15 साल पहले मर चुकी है। भाई अयान, नहीं आया तो अभी से कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। हम बाद में बात करेंगे। अब कुछ बात करने के लिए बाकी भी नहीं, जो कहना सुनना था सब देख लिया। आयान की माँ से मेरी माँ के सफर तक जो सफर तय हुआ था वो माया की वजह से। और आज आप उसकी भी बेइज्जती कर दी। माया हर पल आपसे प्यार मांगती रही और आप हर पल उसे नफरत देते रहे। और ये जो माया पे आपने कचरा फेंका है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपका स्टैंडर्ड। बस भाई बस। आया रहने दे, तू कुछ मत बोले से। आप बोलोगे भी क्या? आपने तो दिखा दिया, क्योंकि सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है। सौतेला? कौन सा सौतेला भाई? जिस बार तुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया तू उसे सौतेला बोल रहा है? यही सच है। तेरी माँ ने आज तक मुझे कभी अपना माना ही नहीं। अर्जुन तू पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? मैं वो बोल रहा हूँ जो तुम लोग सुनना नहीं चाहते। एक्चुअली इनको मेरी खुशी डाइजेस्ट नहीं हुई, इसीलिए मेरी बीबी को अपनाया नहीं। सौतेली है ना। क्योंकि अगर असली माँ होती तो मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती। वो क्या है ना, सौतेली जो है तो सौतेलापन कहीं ना कहीं तो निकालना था ना। बस भाई बस, एक शब्द और नहीं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अगर तू मेरी जान है ना तो मैं अपनी जान अपनी मॉम के लिए दे सकता हूँ। अगर ये तेरी माँ नहीं ना तो आज के बाद मैं तेरा भाई नहीं। देख लिया, अपनी नफरत का नतीजा आज आपकी नफरत की वजह से मेरा भाई भी सौतेला हो गया।
अगर मेरी माया को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं किसी को। यही तो माया जाती थी। धीरे धीरे हमारे अर्जुन को हम सबसे दूर कर रही है। माया यही चाहती है कि सिर्फ उसका हक बनकर रह जाए अर्जुन पर। अर्जुन माया के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। नहीं आंटी, माया आपको और अर्जुन को एक करना चाहती थी, इसलिए आपसे माफी मांगने आई थी। आंटी वो अर्जुन की खुशी ही चाहती है। वो चाहती है कि अर्जुन की खुशी सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से हो। आज उसने हम माँ बेटे को अर्जुन से दूर कर दिया। अब तुम्हारी बारी है सांझ। अब वो तुम्हारी दोस्ती पर वार करेगी। ऐसी चाल चलेगी कि धीरे धीरे हमारा अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। मिस्टर शर्मा, डॉक्टर, आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ख्याल। और आने वाले कुछ अगले महीने आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। डॉक्टर, ऐसे क्या हुआ? उसके तो बस हाथ में लगी थी। वो तो एक छोटी सी बात है, लेकिन उनको जो हुआ है वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। डॉक्टर, ऐसा क्या हुआ है बताइए ना प्लीज। माया माँ बनने वाली है। क्या, कैसे? Yes. I mean, मैं बाप बनने वाला हूँ? Yes. Are you serious, doctor? Yes. तस्की, तेरा डफर बाप बनने वाला है। तस्की, मैं बाप बनने वाला हूँ। डफर, तस्की, हमारा बंदर होगा। ये तस्की और डफर का नहीं, माया और अर्जुन का। Oh, yes. माया, मैं बाप बनने वाला हूँ। आई मीन, तुम माँ बनने वाली हो। मतलब हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। हमारा बंदर होगा, कितना क्यूट होगा। तुम पता है मोटी हो जाओगी कैसे लोगी? न्यू अर्जुन, अरे अर्जुन, मेरा टाल दे दो। और जब बच्चा हो जाएगा मैं उसके साथ यूं खेलूंगा। पोटियन, पोटियन। अर्जुन, हॉस्पिटल, रिलैक्स। मैं बाप बनने वाला हूँ। तो मैं ऐसे कर रहा है जैसे तुझे यकीन नहीं था कि तुमसे ही हो पाएगा। पावर देखी मेरी, कितनी जल्दी मैंने माया को सेट कर दिया। स्ट्रॉन्ग मैन, मेरा बेबी को मैं मेरा बेबी पापा कहते। प्लीज साइलेंस। ए साइलेंस नको, बाप बने। आई एम सॉरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट। अर्जुन, स्टॉप इट। देखा सांस, मुझे अब एक नहीं दो दो बच्चे संभालने पड़ेंगे। तो मेरी हेल्प करोगे ना? पॉटी कर दी। तुम लोग पकड़ो, मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी कराता हूँ। Congratulations. Thank you. Dasky, यहाँ ना। Discharge papers. ये खुशी तो माँ और यहाँ के दिन ही बनती है। अपने को दिखा दिया है, क्योंकि सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है। क्योंकि अगर असली माँ होती तो मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती। कमाल है नरस की, पूरी लाइफ मैंने माँ के प्यार का वेट किया,
और जब मुझे सबसे ज्यादा माँ के प्यार की जरूरत है वो मेरे साथ नहीं है। आंटी तेरे साथ ही है, बस तेरे हाथ बढ़ाने की देर है। तू फोन करना, मैं लगा दूँ फोन। नहीं रस्की, अब ये हाथ सिर्फ माया को बचाने के लिए उठेंगे। अगर माँ मुझसे भी गुस्सा होती ना तो मैं झेल लेता, लेकिन माया से, अरे किसी के अतीत की वजह से उसे इतना परेशान करना, उसकी क्या गलती? अरे जो माँ होती है ना वो गम घटाती है, लेकिन अयान की माँ ने तो गम बढ़ा दिया यार। अर्जुन ऐसा नहीं है। माँ को मेरी खुशी से नफरत है और मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ माया है। मैं अयान की माँ की नफरत अपने बच्चे तक नहीं पहुंचने दूंगा। अर्जुन मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया यार, बिल्कुल अकेला। तू अकेला नहीं डफर, मैं हूं ना तेरे साथ, और जब तक मैं हूं ना मैं सब ठीक कर दूंगी। ओके आंटी, आप दादी बनने वाली है और मेरा डफर डैडी कूल। पर ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा है? मेरे डफर ने जल्दी जल्दी डैडी कूल बनने की तैयारी कर ली, तो आप ना उससे भी जल्दी डैडी कूल बन जाए। ओके ये लो मिठाई। परायों के बच्चे दादी नहीं कहते, आंटी कहते। अयान सांझ उसने हमें पराया बना दिया, सौतेला, और सौतेले लोगों की खुशी में अपने नहीं जाते। अयान वो तेरा भाई है। हाँ भाई था, भाई था वो, अब नहीं। जो मेरी मॉम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। चुप कर अयान, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर कि दिमाग छोटा पड़ जाए। और तू इतना गुस्सा डिब्बे में बंद करके ऊपर लेके जाएगा क्या? जो होना था वो हो गया, तू भूल जा। अब दोनों पार्टीज गुस्सा थूको और केस को बंद करो प्लीज। हाँ बेटा सांस सही कह रही है, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। हमें अर्जुन के पास कमाल है, बच्चा भाई का और सांस मिठाई लेके आ रही है। उसका ईगो खत्म नहीं हो रहा, वो खुद क्यों नहीं आया? अगर उसे हमारी जरूरत नहीं है ना मॉम, तो हमें भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये घर का दरवाजा उसके लिए भी बंद है। आंटी जी, आप नानी बनने वाले हो? मॉम, अर्जुन की नर्स को बुला। नर्स? मां, मैं यहीं हूँ। डोंट वरी, काम डाउन। देखिए नहीं क्या हो गया। इंजेक्शन प्लीज। क्या हुआ इन्हें? मैम जानवी जी बॉडी से पैरालाइज्ड है, उनका ब्रेन अभी भी काम कर रहा है। हो सकता है कोई खुशी या कोई टेंशन रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्ट किया है। घबराने की वैसे कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। ये ले मिठाई खा। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। अरे गुरु, पर ये मिठाई है किस खुशी में, ये तो बता दो। अरे पाप बनने वाला हूँ। अरे गुरु फिर तो ये पर बनती। ये ले एक और।
तुम्हारा बॉस नया वाला बॉस पाप बनने वाला है। क्या बात है अर्जुन, किस बात की मिठाई बट रही है? अरे हमारे सर पाप बनने वाले हैं। क्या बात है, तुम तो पूरे रॉकेट सिंह निकले यार। इतनी भी क्या जल्दी है बॉस, थोड़ी मुबारकबाद मुझसे भी ले लो। इसीलिए शादी की थी ना, शादी से पहले ही कारनामा कर बैठे यार। रिलैक्स अर्जुन, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भाभी जी कैसे? आई मीन माया मैडम। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, तो डॉक्टर को भी पता चल गया कि मैडम कैसी हैं? मैंने तो सोचा था कि ये बात सिर्फ पति पत्नी के बीच में रहती है। अरे तुम तो गुस्सा हो गए यार, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मीठा मिला या नहीं। एक्चुअली वो कंपनी अपने नाम करवाने के बाद कुछ नुकसान तो नहीं झेलना पड़ा ना? मतलब रात को सोने का टाइम तो मिलता है ना। एक्स्ट्रा जानने का बहुत शौक है ना तुझको? अर्जुन बस, अर्जुन बस। जानती नहीं माया, तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? मैं सब जानती हूँ। सिक्योरिटी, बाहर निकाल कर फेंको इसे। बीबी के पैसे पर ऐश कर रहा है ना? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे चल। और अब इस कंपनी के लिए कोई कॉर्पोरेट फोटोशूट नहीं करेगा। तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं। Get back to work, everybody. क्या ऐसी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो फिर बड़ी बड़ी बात कैसे हैंडल करोगे? खून निकल रहा है। इसका तो मैं खून कर दूंगा। जा हाथ दुख रहा, गो। I'm sorry, madam. लेकिन आप नहीं जानती कि अर्जुन कैसा है, नहीं जानती आपकी वो क्या है और क्या करना चाहता है। वो सिर्फ आपके पैसों के पीछे पड़ा है मैडम, और यहाँ जो कुछ भी मैंने कहा है ये सिर्फ आपको सच्चाई दिखाने के लिए कहा है। अर्जुन ठीक आदमी नहीं है मैडम। अर्जुन क्या है और कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, खुद अर्जुन भी नहीं। मैडम मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। उस तक पहुंचोगे तब कुछ कर पाओगे। अर्जुन के सामने माया खड़ी है, तुम्हारी वजह से आज मेरे अर्जुन के हाथों खून निकला है।
और अर्जुन का एक भी बूंद खून बहना मैं माफ नहीं करूंगी। ध्यान से चल, बहुत ट्रैफिक है। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.